वेलकम टू डेली न्यूज 24। सीएल ससुराल सिमर कट्टू के अपकमिंग ट्रैक में काफी बड़ा खुलासा होने वाला है। यहां पर अब सिमर के सामने आने वाला है गीतांजलि देवी का 25 सालों पुराना राज। जी हां, यहां पर अब सिमर के सामने खुलेगा गीतांजलि देवी का सबसे बड़ा डरावना राज। जी हां, यहां पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि यामिनी देवी पूरा फायदा उठाने वाली है सिमर और गीतांजलि देवी के बीच चल रही अनबन का। यहाँ पर अभी यामिनी देवी को पता चलने वाला है कि सिमर को गीतांजलि देवी ने ओसवाल मेंशन से बाहर निकाल दिया है और एक बार फिर से उन्होंने एक जोड़ा अलग कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर यामिनी देवी काफी ज्यादा नाराज होने वाली है। वो सिमर को काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश करने वाली है और इसी दौरान यहाँ पर गुस्से में यामिनी देवी के मुँह से वो बरसों पुराना राज निकलने वाला है, जो कि यामिनी देवी और गीतांजलि देवी सभी से अभी तक छुपा रखा था। यहाँ पर यामिनी देवी सिमर को बताने वाली है कि गीतांजलि देवी उनकी सौतन है और यहाँ पर गीतांजलि देवी ने उनके पति यानी कि गोपीचंद ओसवाल का खून किया है। और ये बात जानकर सिमर को बड़ा झटका लगने वाला है। और जब यहाँ पर सिमर यामिनी देवी से सवाल करेगी कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो यहाँ पर यामिनी देवी सिमर को बता देंगी सिर्फ प्यार की वजह से। और ये बात सुनकर सिमर के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर यामिनी देवी बता देंगी कि गीतांजलि देवी ने सिर्फ गोपीचंद ओसवाल को प्यार करने की सजा दी थी। और ये बात जानकर सिमर के होश उड़ने वाले हैं। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतने बड़ा राज जानने के बाद अब यहाँ पर सिमर क्या करने वाली है, कैसे वो यहाँ पर गीतांजलि देवी को फिर से प्यार पर विश्वास करने पर मजबूर करने वाली है और संगीत के लिए उनकी नफरत खत्म करने वाली है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीएल ससुराल सिमर का 2 से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।